वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक-ए-इंसाफ पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी पब्लिक हो गई। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रुकने कौमी असेंबली नूर आलम खान के दरमियान नोक झोंक हुई। इमरान खान ने नूर आलम खान से सवाल किया कि जब आप पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त हुकूमत के खिलाफ तकरीर क्यों नहीं करते थे, मैं इस वक्त भी हुकूमत पर तनकीद करता था, अब भी हुकूमत को आईना दिखाता हूँ, नूर आलम खान का ये जवाब उन्होंने दिया। और ज़राए के मुताबिक नूर खान आलम के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली वज़रा के रवैयों पर फट पड़े। पीटीआई अरकान ने शिकवा किया कि वज़रा ना तो कौमी असेंबली आते हैं ना ही हुकूमती अरकान के काम करते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर को दोबारा काबीना में शामिल करने का इंदिया भी दे दिया है। तो ये अंदरूनी कहानी पब्लिक हो गई है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रुकने कौमी असेंबली नूर आलम खान के दरमियान नोक झोंक हुई।